दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे आईसीसी बैंक का प्रिविलेज प्रोग्राम के रिगार्डिंग कि आईसीसी बैंक में प्रिविलेज बैंकिंग प्रोग्राम क्या लॉन्च हुआ है और इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। ये सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस है कि आपको इसे मेंटेन करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आपके लिए क्या बेनिफिट्स है इसमें, क्योंकि ये जानकारी लेटेस्ट अपडेट है। क्योंकि आईसीसी बैंक में पहले बहुत सारे अकाउंट्स चलते थे और सारे अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, अब कुछ ही अकाउंट्स अब आप खुलवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर देखें तो ये प्रिविलेज बैंकिंग प्रोग्राम आईसीसी बैंक का लेटेस्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर आईसीसी बैंक सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट इसके अंदर खोल रहा है, जिसके अंदर एक तरीके देखा जाए तो अकाउंट में कोई मेंटेनेंस नहीं है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। लेकिन बैंक क्या चाहता है, अब बैंक का एजेंडा क्या है कि प्राइमरी कस्टमर को अपने एक्विजिशन करना। मतलब क्या है, आईसीसी बैंक में पहले क्या होता था, इनके ब्रांच नेटवर्क और जो इतनी अच्छी फैसिलिटी थी उसके वजह से प्राइमरी कस्टमर इनके पास नहीं थे, इनके पास ट्रांजैक्शन कस्टमर थे। लेकिन अब बैंक का थिंकिंग ये है कि हम प्राइमरी कस्टमर को लेके आए अपने बैंक में, जिससे क्या हो कि बैंक का जो MIB है, जो मनी इन बैंक है, उसके ऊपर बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट लेके आया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग हो। तो प्राइमरी बैंकिंग कस्टमर एक साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारा उससे बेनिफिट कस्टमर ले बैंक ले सकता है और कस्टमर के लिए भी बेनिफिट्स है। तो इसमें जो प्रिविलेज बैंकिंग प्रोग्राम है इसको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक है जो असेट रिलेशनशिप प्रोग्राम है इसमें, दूसरा कासा रिलेशनशिप प्रोग्राम है, तीसरा डीमेट और ट्रेड फीस भी है इसके अंदर में। अगर मान लीजिए कि हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो इनका जो TRB रिलेशनशिप वैल्यू है, अगर आप ICICI बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके अंदर या तो आप बैलेंस सेविंग अकाउंट पर रख ले, या तो आप करेंट अकाउंट पर रख ले, या इसके अंदर फिक्स डिपॉजिट बना ले। तो ये हो गया कासा सेगमेंट का प्रिविलेज बैंकिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर अगर आप देखें तो 1,00,000 का आपका सेविंग अकाउंट बैलेंस हो, या 3,00,000 आपका करेंट अकाउंट बैलेंस हो, या आपका टोटल रिलेशनशिप वैल्यू डिपॉजिट मिलाकर 5,00,000 हो, तो आपको फिर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने ICICI बैंक में प्रिविलेज बैंकिंग प्रोग्राम में अकाउंट खुलवाया और आपने 5,00,000 की FD बना दी, तो आपको फिर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। या आपका करंट अकाउंट चल रहा है, 3,00,000 रुपए करंट अकाउंट में रख रहे हैं, तो फिर भी आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। या आप 1,00,000 रुपए सेविंग अकाउंट रखे हुए हैं, तो फिर भी आपको मेंटेन करने की, आगे 1,00,000 ही आपको मेंटेन करने की जरूरत है, सारे फैसिलिटी आपको बेनिफिट मिलेगा। या आप देखिए सेविंग करेंट या डिपोजिट सारा मिला करके आपके पास अगर 5,00,000 का TRV है, तो फिर भी आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं। इसमें फैमिली को भी इंक्लूड किया गया है, इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है जो कि हम डिस्कस करेंगे फॉर फैमिली के लिए। और नेक्स्ट आप देख लीजिए असेट डिसबर्समेंट रिलेशनशिप में, आप देखिए असेट डिसबर्समेंट रिलेशनशिप में अगर आपका 50,00,000 का होम लोन चल रहा हो, 7,50,000 का ऑटो लोन चल रहा हो, 5,00,000 का आपका पर्सनल लोन या बिजनेस लोन चल रहा हो, एजुकेशन लोन चल रहा हो 5,00,000 का, कमर्शियल व्हीकल्स लोन जो है 25,00,000 का चल रहा हो, 2-व्हीलर लोन अगर 3,00,000 का चल रहा हो, क्रेडिट कार्ड भी आपका अगर 2,00,000 का हो, तो आपको फिर अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी क्राइटेरिया आप अगर फुलफिल कर रहे हैं तो सेविंग अकाउंट फिर आपका जीरो बैलेंस का रहेगा। इसके बाद अगर BLG है आपका, अगर लिमिट चल रही है 10,00,000 रुपये की, या किसान क्रेडिट कार्ड 15,00,000 रुपये की, या ज्वेलर लोन लिया हुआ है आपने 5,00,000 रुपये की, या कमर्शियल बेस्ड फाइनेंस है आपका 1 करोड़ से ऊपर, या FE है, या इन्वेंट्री फंडिंग भी है, या किसान कल विकास योजना के तहत आप लिखा है, या RBC रूरल बिजनेस कार्ड 25,00,000 के है, तो फिर आपको कोई भी क्राइटेरिया आप मेट करते हैं तो फिर सेविंग अकाउंट में आपको आप जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ के साथ आप अपने फैमिली का भी अकाउंट जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, पूरी फैमिली लेवल का TRV देखा जाएगा इसमें। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट का भी रखा गया है कि आपका अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट डीमेट अकाउंट में 10,00,000 का अगर आपका बुक वैल्यू है, तो फिर भी आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं। आपने मान लीजिए आप अकाउंट खुलवाया, करंट अकाउंट खुलवाया और 10,00,000 का आपका बुक्स आ जाए, तो नहीं आपको करंट अकाउंट में मेंटेन करने की जरूरत है, नहीं आपको सेविंग अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है। आप इजीली आप अपना बैंकिंग ICICI बैंक में इजी वे में आप चला सकते हैं। या तो आप फॉरेक्स थ्रूपुट है, अगर आपका USD अगर आपका अकाउंट में इनवर्ड या आउटवर्ड रेमिटेंस आता है $20,000 के इक्वल या उससे ज़्यादा, तो आप भी फिर भी आप इस प्रिविलेज बैंकिंग प्रोग्राम में फिट कर जाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 18 ईयर्स का आपका एज होना चाहिए, रेजिडेंस इंडियन होना चाहिए। इसमें बहुत सारे बेनिफिट है जो कि टाइटेनियम प्रिविलेज डेबिट कार्ड आपको फ्री में दिया जाता है। आपको याद होगा ICICI बैंक में पहले रेगुलर सेविंग अकाउंट, सिल्वर सेविंग अकाउंट, गोल्ड सेविंग अकाउंट, टाइटेनियम सेविंग अकाउंट, वेल्थ और प्राइवेट बैंकिंग चलता था, लेकिन आज के डेट में आप देखें तो रेगुलर सेविंग अकाउंट रखा गया है जस्ट फॉर
हम किसी भी पर्पस के लिए है या छोटे टाइप के कस्टमर खुलवा सकते हैं। उसके अलावा क्या सारा का प्रिविलेज बैंकिंग प्रोग्राम में ही आप खाता खुलता है, कोई गोल्ड सिल्वर या टाइटेनियम नहीं है। उसके बाद क्या है, आपके पास वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं या दूसरी क्या है, आप प्राइवेट बैंकिंग में जा सकते हैं। आप अगर इनकम स्लैब देखें तो 10 लाख तक की इनकम वाले को ये प्रिविलेज बैंकिंग प्रोग्राम में सेट कर रहे हैं। 50 लाख से ऊपर वाले अगर बेनिफिट आपके पास अगर TRB है तो आप उसमें वेल्थ मैनेजमेंट में जाएंगे, और 1 करोड़ से ऊपर वाले में आप प्राइवेट बैंकिंग कस्टमर में आप जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको कम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस दिया जाता है 40 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस भी की एक खासियत है, और बैंकों का भी मैंने स्टडी किया था कि जो कि इंश्योरेंस कवर मिलता है तो उस इंश्योरेंस कवर में क्या है, अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। आप अगर एयर एक्सीडेंट ले रहे हैं तो उसी डेबिट कार्ड से आपका टिकट कटा होना चाहिए, या आपका जो अकाउंट है क्वार्टरली ट्रांजेक्शन लिमिट है जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए। लेकिन ICICI बैंक में इस जो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग मैंने जो स्टडी किया है, इसके अंदर क्या है कि आपका केवल अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, अकाउंट चलता होना चाहिए, आपका डोरमेंट या इनएक्टिव स्टेज में नहीं होना चाहिए, तो आप इजिली इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। उसके बाद देखें सेवी अकाउंट के चार्जेस, इसके अंदर सारा कुछ का सारा फ्री रखा गया है, लेकिन आप कैश से रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन करें तो कैश में है ही, डिजिटल इंडिया का चल रहा है तो कैश से रिगार्डिंग कंसर्न है कि जो कैश में है वो है। उसके अंदर आप 5 लाख रुपये का पर मंथ का आप विड्रॉल लिमिट रखा गया, 5 लाख आप विड्रॉल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ATM जो ट्रांजेक्शन है आप अनलिमिटेड ATM ट्रांजेक्शन है इसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, देखिए ट्रांजेक्शन है कैश रिसाइकल मशीन के थ्रू, आप अगर विड्रॉल करते हैं तो उसके अंदर आपको फ्री मिलता है, और इसके अंदर डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, DD पे ऑर्डर बनाते हो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। डेबिट कार्ड का एनुअल कोई चार्ज नहीं रखा गया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिविलेज डेबिट कार्ड दिया जाता है टाइटेनियम कार्ड। इसमें चेकबुक के भी कोई चार्जेस नहीं है, और SMS अलर्ट का भी कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है। तो आप मोटा मोटी देखें तो बैंक चाह रहा है कि अब उस कस्टमर को जो हमारे पास ऑनबोर्ड कर रहे हैं वो सारा का सारा रिलेशनशिप हमारे साथ लेके आए। और आपको इसके अंदर एक चीज और बताऊं कि जो फैमिली बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज है इसमें क्या है कि मान लीजिए इसमें फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो हेड ऑफ द गार्जियन जो भी है वो प्राइमरी होल्डर बनता है अकाउंट में, वो अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकता है, और सिंगल व्यू में अपने पूरे फैमिली का अकाउंट को भी ऐड कर सकता है। मतलब क्या कि अगर कोई प्राइमरी होल्डर अपने फैमिली का कोई गार्जियन है उसका भी अकाउंट है, पूरी फैमिली का अकाउंट है, तो अपने वाइफ अपने पेरेंट्स अपनी सिस्टर अपने ब्रदर के अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन खुद कर सकता है, OTP उसी के पास आएगा, उसी से आप ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो प्राइमरी होल्डर को एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, आपको बैंक को रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा कि, और उस पर आपको फिर आगे से OTP भी आप ही के पास आया ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इसके अंदर बैंक में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे क्या होगा कि जो प्राइमरी बैंकिंग होल्डर है पूरी की फैमिली बैंकिंग ICICI बैंक अपने पास लेके आ पाए। तो इसके लिए ये बहुत सारा कोर्स रखा गया है। अगर आप देखें तो प्रोग्राम में बहुत सारा बेनिफिट्स हैं, इसमें आप आकर के आप जीरो बैलेंस मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप चल रहा है, अगर FD रख दो 5 लाख रुपए का पूरी फैमिली, आप TRB के बेस पे आप जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है इसमें, प्रोग्राम के बेनिफिट्स में अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे ऐसे इसमें इंक्लूड किया गया है कि आप जाकर के आप पूरा का पूरा व्यू कर सकते हैं। इसमें करंट अकाउंट का भी प्रोपोजिशन है, तो मैं करंट अकाउंट का मैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि करंट अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट है प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर में। तो इसमें मेन फोकस देखिए, इसमें अनलिमिटेड एक्सेस ATM कार्ड्स, लॉकर डिस्काउंट का भी एक मेजर बेनिफिट दिया गया है इसमें। पहले क्या होता था कि 20%, 25%, 30% तक का डिस्काउंट होता है लॉकर पे, लेकिन अब लॉकर डिपेंड करता है कि ब्रांच मैनेजर के ऊपर कि ब्रांच मैनेजर कितना से कितना ज़्यादा आपको लॉकर बेनिफिट दे सकते हैं। तो इसमें लॉकर बेनिफिट्स भी आपके TRB, आपके टोटल वैल्यू, बैंक के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे दिया जाएगा कि आपको लॉकर पर भी डिस्काउंट दिया जाएगा। ICICI बैंक ने कोई लॉकर का कोई चार्ज भी नहीं रखा हुआ है, अब बस डिपेंड करता है कि आपके बैंक के साथ क्या रिलेशनशिप है, उतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद क्या है, फॉरेन एक्सचेंज का भी आपको 25 पैसे का बेनिफिट दिया जाता है। आप आउटवर्ड इन्वर्टेस करते हैं तो आपको वहां बेनिफिट्स मिल जाएगा। आप होम लोन, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन के लिए जाते हैं तो प्रीवियस बैंकिंग प्रोग्राम में आपको और भी ज्यादा आपको बेनिफिट दिया जाता है। उसके अलावा क्या है, आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप RM दिया जाएगा कि आपको डे टू डे अपडेट करता रहेगा और आपकी बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस आपकी स्मूथ चलेगी। उसके बाद क्या है, पूरे ऑल इंडिया में आप सेम प्रीवियस बैंकिंग प्रोग्राम का आप सर्विस ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है, टाइटेनियम डेबिट कार्ड, प्रीवियस डेबिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मनी सेवर, होम लोन
आप ले सकते हैं, आपका लोन चल रहा है होम मनी सेवर होम लोन में डाल सकते हैं, आप अकाउंट में पैसे रखिए उतने आप पे आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है होम सेवर में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में होम सेवर होम लोन के ऊपर डिस्कस करूंगा। अभी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स लेके आते हैं। बहुत बैंकिंग से रिलेटेड आपको जो भी वीडियोस है तो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद क्या UPI पेमेंट्स वगैरह सब कुछ इसमें बेनिफिट्स है, और सारा कुछ पेमेंट्स इसमें जीरो रखा गया है, इंटरनेट बैंकिंग स्पेशल बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों मैं आगे और भी आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा इसे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।